आज मैंने बनाया था सूजी का हलवा और मैंने सूजी के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखना, लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलो देखते हैं हम हमारे सूजी के हलवे की रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाली है। घी को हमने हाई फ्लेम पे अभी इसको मेल्ट करना है। घी को ऐसे चलाते चलाते हम इसको मेल्ट करेंगे। जब घी मेल्ट हो जाए, घी को मेल्ट करके, जब घी मेल्ट हो गया, अभी घी मेल्ट हो गया, अभी मैंने इसमें 1 कटोरी सूजी की डाली है। सूजी मैंने यहाँ पे ब्रीक सूजी ली है, हलवे वाली सूजी। इसमें हमने हमेशा हलवे वाली ब्रीक सूजी ही यूज़ करनी है। अभी हमने सूजी को घी के साथ पकाना है, घी के साथ मिक्स करना है। इसको अच्छे से घी के साथ मिक्स करके अभी इसको लो फ्लेम पे धीरे धीरे से पकाना है। याद रखिए इसको हमने कंटिन्यू चलाते रहना है। अभी मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, तो आप चाहो तो ड्राई फ्रूट बाद में भी डाल सकते हो। मैंने इसको पहले डाल दिया था क्योंकि मुझे थोड़े से रोस्ट ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं। अगर आपको रोस्ट अच्छे लगते हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट अभी डाल सकते हो इस स्टेज पे। अगर आपको नहीं अच्छे लगते तो आप इसमें इसको बाद में डाल सकते हैं। जहाँ पे मैंने इलायची डाली है, मैं आपको बताऊँगी कहाँ पर आप डाल सकते हो। अभी इसको हमने कंटिन्यू चलाते रहना है, 3-4 मिनट चलाते रहना है। यहाँ पर मैंने 3 कटोरी पानी की ले ली। 1 कटोरी हमने सूजी की ली थी, 3 कटोरी की लेकर उसको उबाल लेना है। अभी हमारी सूजी अच्छे से पक गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमने इसमें पानी, जो पानी हमने बॉईल किया था ना, वही पानी इसमें डालना है। आप गरम-गरम सूजी में गरम-गरम पानी डालोगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा। अभी हम इसमें 3 कटोरी पानी डालेंगे। अभी इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। याद रखिए ये पानी छींटे मारता है, तो इसको थोड़ा सा दूर से चलाना है, नहीं तो इससे हाथ जलने का भी खतरा रहता है। इसको धीरे धीरे से दूर से चलाते रहना है, पानी को डाल के अभी इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। अभी इसको हाई फ्लेम पे चलाना है, तो इसको चलाते रहना है जब तक इसका पानी ना सूख जाए। पानी सूखने तक हमने इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। अभी इसका पानी सूख गया है, तो इसको मैंने 2 इलायची यहाँ पे पीस के रखी थी, तो मैंने इसमें 2 इलायची अभी डाल दी है। तो आप चाहो तो यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, अगर आपको ज़्यादा रोस्टेड ड्राई फ्रूट अच्छे नहीं लगते। अभी इसको मैंने कंटिन्यू चलाते हुए इसको पकाना है जब तक ये घी ना छोड़ दे। अभी इसको पकाते रहना है। इस स्टेज पे मैं इसमें 1 कटोरी शुगर डालूँगी। जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी वही कटोरी 1 मैं इसमें शुगर की डालूँगी। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने शुगर डाली तो शुगर ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अभी इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसका पानी सुखाएंगे। इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, याद रखिए इसको हाई फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक ये हमारा हलवा घी ना छोड़ दे। तो यहाँ पे हमारा हलवा कढ़ाई छोड़नी स्टार्ट कर दी है, हमारे हलवे ने कढ़ाई छोड़ दी है और हमारा हलवा घी भी छोड़ दिया है। तो इस स्टेज पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा हलवा बनके रेडी है। हम इस ऐसे हमारे स्पैचुला पर इसको चेक कर सकते हैं, ये नीचे गिर रहा है, चिपक नहीं रहा, तो इसका मतलब ये बनके रेडी है। अभी हम इसको सर्व करेंगे। 1 कटोरी में हमने सूजी का हलवा डाल दिया। ऐसे आप अगर सूजी का हलवा बनाओगे, गरम गरम सूजी में बॉयल वाटर डाल के इसको बनाओगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गरम पानी डाल के इसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। तो हम इसको अभी ये खाने के लिए रेडी है। अभी हम इसको सर्व करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।